नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम चल रहा है और आम का सीजन शुरू हो चुका है। गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही लोग आम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी लोगों का पसंदीदा फल है फलों का राजा आम। आम स्वाद में बेहद मीठा और लजीज फल होता है, इसलिए तो फलों का राजा है। आम सभी लोगों का पसंदीदा फल है और बड़े प्यार से खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्यों न खाए। लेकिन आम के शौकीन आम खाने के बाद इसकी गुठली बेकार समझकर फेंक देते हैं। आम की गुठली बेकार नहीं होती, लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तो दोस्तों, आज हम आम की गुठली के बारे में ही आपको बताएंगे। ज़्यादातर आम खाने के शौकीन आम की गुठली के फायदे के बारे में नहीं जानते, अगर जान गए तो फेंकेंगे नहीं। तो दोस्तों, आम की गुठली फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखें। आम की गुठली पेट के रोगों की सबसे कारगर और बेहतर औषधि है। आम की गुठली में फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, ये दस्त में बहुत उपयोगी होता है। अगर किसी को दस्त की समस्या हो गई है तो आम की गुठली को साव में सुखाकर पाउडर बनाकर अपने पास रखें। एक चम्मच आम की गुठली का चूर्ण साथ में एक चम्मच बेलगिरी का चूर्ण, दोनों को मिलाकर छाछ या लच्छे के साथ मिलाकर पी जाए। इस विधि से तुरंत दस्त में आराम मिल जाता है। अगर बेलगिरी का चूर्ण न मिले तो सिर्फ आम की गुठली का चूर्ण एक चम्मच की मात्रा में पानी के साथ लेकर ही पी जाए। इसके पाउडर का एक चम्मच की मात्रा में रोजाना पानी के साथ सेवन करते रहने से पेट के कई रोग नष्ट होते हैं। इससे पेट की बदहजमी दूर होती है, गैस, अपारा सब मिटता है। सिर्फ आम की गुठली का पाउडर छाछ या दही के साथ मिलाकर रोजाना सेवन करते हैं तो अर्श और बवासीर में बड़ा फायदा होता है। रोजाना छाछ के साथ आम की गुठली के पाउडर का सेवन करने से अर्श में खून आने की समस्या बंद हो जाती है। आम की गुठली में पाए जाने वाले तत्व हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है। इसकी गुठली का चूर्ण एक चम्मच पानी के साथ कुछ दिनों तक सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आम की गुठली का पाउडर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बनाए रखता है। आम की गुठली का पाउडर शरीर में बढ़ते हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही यह रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, आम की गुठली का चूर्ण बढ़ते हुए वजन को भी कंट्रोल में रखता है। बढ़ते हुए वजन से परेशान लोगों को आम की गुठली का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये स्त्रियों में होने वाली अधिक ब्लीडिंग की समस्या को भी कंट्रोल में करता है। जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग की समस्या हो तो आम की गुठली का चूर्ण एक चम्मच की मात्रा में पानी के साथ रोजाना सेवन करें। आम की गुठली कैल्शियम से भरपूर होती है, ये दांतों की हर समस्या को दूर करती है। दोस्तों, दांतों की हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इसके दंत मंजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप आम के पेड़ की छाल को जलाकर इसकी राख और आम की गुठली का पाउडर दोनों को समान मात्रा में ले और साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दे। इसको एक बोतल में भरकर रखें और रोजाना दंत मंजन करें। इसका रोजाना दंत मंजन करने से हिलते हुए दांत भी मजबूत बन जाते हैं। अगर दांतों में खून आने की समस्या है तो ये भी दूर हो जाएगी। दांतों की सड़न शीघ्र रुक जाएगी और दांत मजबूत बनते जाएंगे। आम की गुठली बालों की समस्या का भी इलाज है। आम की गुठली में विटामिन्स, मिनरल्स और फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में होता है, जो बालों की हर समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। 10 आम की गुठली को साव में सुखाकर पाउडर बनाकर कपड़े से छान ले। अब इस पाउडर को नारियल तेल के साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाए। जब अच्छी तरह से दोनों पक जाए तब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद रोजाना बालों की जड़ों में लगाए। इस प्रकार 15 दिनों तक लगातार करते रहने से बालों की जड़ने की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा समय से पहले सफ़ेद हुए बाल भी काले बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस मिश्रण को बालों की गंज में लगाने से भी नए बाल आते हैं। अगर सिर में ज़्यादा जुएं पड़ गई हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए आम की गुठली का पाउडर साथ में उतनी ही मात्रा में आम के पेड़ की छाल दोनों को अच्छी तरह से पाउडर बनाकर नींबू के रस के साथ मिलाकर रोजाना बालों की जड़ों में लगाएं। इससे बालों में होने वाले जुएं शीघ्र नष्ट हो जाती है।